दांत का उल्टा चश्मा। मित्र साहब अंदर आ जाऊं? नहीं, थैंक यू। ऐसा क्या हो गया जेठाला? ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जेठाला? नहीं मेहता साहब, हमेशा मेरे साथ ही सब उल्टा होता है। सासू माँ के स्वागत के लिए बगुले की तरह एक पैर पे खड़ा रहा और क्या मिला मुझे? वो बगुला भगत 1,01,000 का हार पहन के उड़ गया। आपको क्या लगता है मैं कोई पूजा वूजा कुछ हवन भवन करवा लूं? नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मैं सच में पागल हो जाऊंगा। जेठालाल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? और एक तरीके से देखा जाए तो जो हुआ वो तो तुम्हारे मन का ही हुआ ना। इसमें मेरे मन का क्या हुआ? कल को जब सासू माँ आ रही थी तो तुम मेरे पास शिकायत लेके आए कि सासू माँ आ रही है, क्या करूँ, टेंशन होगा। और जब सासू माँ नहीं आई तब भी तुम शिकायत कर रहे हो कि नहीं आई। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और देखो भाई, अब वो नहीं आई तब तुम्हें इतनी भागदौड़ी करनी पड़ी, अगर वो आ जाती तो कितनी भागदौड़ी होती सोचो। और माँ अगर अपनी बेटी से मिलने इतने सालों बाद आएंगी तो एक आध महीना तो ठहरेंगी ना। हाँ, तो सोचो तुम्हें एक आध महीने तक भागदौड़ी करनी पड़ती। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब। फिर मैं एक महीने की भागदौड़ी से बच गया, लेकिन कब तक बचा रहूंगा? आज नहीं तो कल दया की माँ तो आएगी ही ना। सो तो है जेठा, भाभी की माँ आएंगी तो जरूर। माँ अपनी बेटी से कितने दिन दूर रहेंगी? जब वो आए तब एक दो महीने की भागदौड़ी के लिए तैयार है ना। क्या कर रहे हैं आप ये? क्या किया मैंने? एक तरफ आग बुझाते फिर तुरंत वापस आग लगा देते। जेठालाल मैंने क्या किया है भाई? बात तो तुमने शुरू की ना, तुमने कहा कि मैं कब तक बचा रहूंगा, एक ना एक दिन तो दया की माँ आएगी। तो बात तुमने शुरू की तो मैंने उसमें हाँ में हाँ मिला कि हाँ भाई आएंगी दया भाभी की माँ आएंगी एक दिन। हाँ में हाँ क्यों मिलाई? कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे? मुझे बहला नहीं सकते थे, फुसला नहीं सकते थे कि नहीं भाई नहीं, चिंता मत करो, खुश रहो, दया की माँ नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते थे? ठीक है, दया भाभी की माँ नहीं आएंगी, खुश, चिंता मत करो, खुश। जेठालाल तुम कल का टेंशन आज क्यों ले रहे हो? और वो कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता मत करो, मस्त रहो। सासू माँ भी सो गई होगी, तुम भी सो जाओ, सो और सोने दो प्लीज। आएगी तो भी देख लेंगे। ये देखो अब आग कौन लगा रहा है? आग तुम लगा रहे हो। देखो ना, सो जाओ भाई, गुड नाइट। कुछ काम धंधा है क्या? नहीं। टप्पू के पापा, क्या हुआ? अभी कहाँ चले गए थे? वो नींद नहीं आ रही थी तो कंपाउंड में से टहलने गया था। सॉरी टप्पू के पापा। सॉरी? वो आज माँ नहीं आई तो आपको परेशानी हुई और दुख भी बहुत हुआ होगा, नहीं? पर तेरे जितना नहीं। मेरी तो सासू माँ है लेकिन तेरी तो माँ है। मुझे पता है तुझे कितना उत्साह था माँ से मिलने का। और सॉरी दया। इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? नहीं, वो राधे कृष्ण हॉल में मैंने तुझे खरी खोटी सुनाई, उसके लिए सॉरी। अरे टुप्पू के पापा, वो तो आप नाटक कर रहे थे ना? हाँ, पर तुझे तभी पता नहीं था ना कि मैं नाटक कर रहा था, तो तभी तो तुझे दुख हुआ होगा ना। हाँ, थोड़ा दुख हुआ था, पर जब आपने कहा ना कि आप नाटक कर रहे हैं फिर बिल्कुल दुख नहीं हुआ। चलिए आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आपने बहुत भागा दौड़ी की है ना। पैर तो इतने दर्द नहीं कर रहे लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है दया। हाँ तो सर दबा देती हूँ, आइए चलिए मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए, चलिए। ओहो, वाह भाई वाह, अगर रोज ऐसे प्यार मिले तो मैं तो रोज भागा दौड़ी करूँ मेरी कोयल। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे मैं आपको प्यार करती ही नहीं हूँ, मेरे उल्लू। उल्लू? सॉरी, वो क्या है, आज आपको नींद नहीं आ रही है ना, और उल्लू तो रात भर जागते रहते हैं ना, इसलिए जरा मुंह से निकल गया। बाकी आप तो मेरे मोर हो, मोर। दया। हाँ? मैं क्या कहता हूँ, कल अहमदाबाद चलें? हाँ?
माँ को मिल के आते हैं। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, पर माँ कहाँ भागी जा रही है? हम फिर कभी आराम से माँ को मिलने जाएंगे ना। सच दे, तेरे साथ बात करके मेरी पूरी थकान उतर गई। जी करता है मैं ऐसे ही तेरी गोद में सर रख के बस सोता ही रहूं। टप्पू के पापा, आपको ऐसे मेरी गोद में सोते हुए देख पता है मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? दीवार फिल्म का आखिरी सीन याद है? उसमें भी अमिताभ भाई बच्चन जी ऐसे ही निरूपा रॉय जी की गोद में सर रख कर सोए थे। अरे आप क्यों उठ गए? सो जाइए। क्या सोइए ना, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। क्यों? क्या क्यों? वो माँ बेटे थे, हम पति पत्नी हैं, और अमिताभ बच्चन जी गोली खा के सोए थे। तो आपने भी तो गोली खाई है। क्यों, आपने चुरन की गोली नहीं खाई? अमिताभ भाई जी ने मरण की गोली खाई थी और आपने चुरन की गोली खाई। मुझे लगता है तुझे अभी नींद की गोली खाने की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, मुझे नींद का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो फटाक से नींद आ जाती है। देखिए देखिए आप, देखिए, गुड नाइट। आओ, चाह गए। चाहा क्या? घेतो का है, दूसरी बार गरम करके लेके आई हूँ, अभी तीसरी बार गरम करके लेके नहीं आऊंगी, आप ठंडी पी लीजिए। चालेल। इतना क्या हिसाब किताब कर रहे हैं आप सुबह से? माधवी, कल अपने सोसाइटी में जो इवेंट हुआ ना, उसी का हिसाब किताब कर रहा हूँ। सोसाइटी में कब इवेंट हुआ था? कल भूल गई? जेठा की सासू माँ आने वाली थी ना कल, तो सोसाइटी को डेकोरेशन किया था, फूलों से, लाइट से, बैंड वाले को दो दो बार बुलाया था, वो किसी इवेंट से कम थोड़ी था। नहीं नहीं, बरोबर है। पता है, सोसाइटी फंड से पूरे 32,700 रुपया खर्चा हुआ है। बाप रे। उसी का बिल अभी मुझे जेठालाल को देना है। बिल? हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, 32,700 रुपया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो जेठा भाई सासू माँ आई नहीं, उनके दुख में होंगे, और ऊपर से आप ये बिल देकर उनको और दुख पहुँचाना चाहते है। कैसे पड़ोसी है आप? लेकिन मैं पड़ोसी के साथ साथ सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ। हो, और कल सबके सामने सोसाइटी में आपने क्या कहा था? आज मैं एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ, वो भी जेठा भाई का। नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो। ठीक है, फिर मैं जेठाल को अभी नहीं दूंगा बिल, थोड़े दिन बाद दूंगा। आई हाँ, मैं निकलते हैं। टिफिन बॉक्स लिया? हो हो हो, चलो बाय 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 बाबा बाय, आराम जा। टप्पू, गोली गोली कैच। अरे वाह, कैच 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 कैच। स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अरे सोनू, टप्पू को आने देना, तब तक तो खेलते है ना। ओए गोली, अब मैं देखो हाई कैच देता हूँ, पकड़ पाएगा? चल दे, आराम से पकड़ लूंगा। चल। पक्का ना? यस। रेडी? यो। गिर गया। और अब से पकड़ लूंगा, इतना सिंपल कैच पकड़ने पाता है। गिर गया। हंस मत गोगी, इतना ऊंचा बॉल मैंने फेंका होता ना तो तू भी नहीं पकड़ पाता, समझा ना? मैं तो आराम से पकड़ पाऊंगा, मेरा नाम गोगी है, गोगी। अच्छा रुक। हाँ, लो कैच, कम ऑन थ्रो। स्टैच्यू। Yes! अगर तेरा नाम गोगी है तो मेरा नाम गोली है। टिको चिका टिको चिका टिको चिका टिक। अगर तू जरा सा भी लाना तो तेरा लंच बॉक्स में रोज खाऊंगा। Yes! टिको चिका टिको चिका टिको चिका टिको चिका टिक टिक टिक। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, मैं क्या कर रहा है यार? वो कंपाउंड में खड़ा हो गया, रबजी को याद कर रहा है क्या? एक्चुअली क्या है ना, उसने आकाश में एक उड़न तश्तरी देख ली है तो ऐसे शॉक्ड खड़ा है। उड़न तश्तरी? और तेरी भी मेरे जैसे मजाक करने की आदत जाएगी नहीं है। ओ हिल, गोगी पुत्र, ओ हिल।
जानू पुत्र, वो हंसना तो अच्छी बात है पर इसमें हंसने की क्या बात है? वो एक्चुअली सोडी अंकल गोगी स्टैच्यू हो गया है। स्टैच्यू? वो क्यों होता है? सोडी अंकल स्टैच्यू एक गेम है। इस गेम में अगर कोई किसी को स्टैच्यू कहता है तो उसे बिना हिले उसी पोजीशन में मूर्ति की तरह खड़े हो जाना है। हाँ, वो बंदा इसमें फिर हिल गया तो? जिसने भी उसे स्टैच्यू कहा है और जो स्टैच्यू है वो जरा सा भी हिल गया तो जिसने भी उसे वो जो कहा है वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने गोगी को स्टैच्यू कहा है, अभी गोगी जरा सा भी हिला तो उसका लंच बॉक्स मैं खा लूंगा। सिंपल। ए गोली पुत्र, और तू उसकी पकड़ना क्या? अब मैं अपनी रोशन डार्लिंग को बोलूंगा और तेरे लिए डबल लंच पैक कर देगी, ठीक है खुश? पर अभी ये बता कि गोगी पुत्र अभी छूटेगा कैसे यार? ऐसे गोगी ओवर। ओए गोली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे मौके पर स्टैच्यू करूंगा कि तू भी याद रखेगा, ठीक है? ओवर? ये कोई क्रिकेट जैसा गेम है? नहीं सॉरी अंकल, ये गेम पूरा डिफरेंट है। क्रिकेट बॉल से खेला जाता है, ये स्टैच्यू से खेला जाता है। ओए होए होए, ये तो बहुत बढ़िया गेम है, बहुत ही मजेदार गेम है। मैं किस पे अजमाऊं ये स्टैच्यू? मैं टबू का बुला के आता हूं। और रुक, तुम लोग अगर चले जाओगे तो मैं स्टैच्यू किसके साथ खेलूंगा यार? मम्मी के साथ। अब मम्मी के साथ स्टैच्यू खेलना? हाँ। तुम मेरे जैसे सारे आइडिया देते। शाम को आगे तेरी मम्मी के साथ चमके स्टैचू स्टैचू खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। मम्मी आई बेटा, जल्दी आई। आई बेटा, ये लो, ये तुम्हारा नाश्ता है और ये गोली को दे देना। गोली को? हाँ, वो मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं और मुझे पता है कि गोली को वो बहुत पसंद है, इसलिए ये लड्डू उसको दे देना। अरे वाह मम्मी, गोली देखकर तो पागल हो जाएगा। टप्पू कितना टाइम यार, लेट हो जाएगा। अरे हाँ गोली, मैं आ ही रहा था। लड्डू एक देना यार प्लीज। नहीं गोली एक क्या, ये पूरा डब्बा ही तेरा है। हाँ। अच्छा तो दे। नहीं गोली अभी नहीं, रिसेस में। अरे रिसेस को तो कितना टाइम है, एक देना अभी। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे दया चाय ला। अरे टप्पू के पापा, ये अपना गोली है। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्ग किंग की तरह क्यों खड़ा है? क्योंकि ये टैची हो गया है। टप्पू स्कूल जाने के टाइम पे क्या मस्ती चल रही है बेटा, स्कूल जाओ लेट हो जाएगा। सॉरी सॉरी पापा। मुझे चाय। अब बैठियो मैं लाती हूँ। जा जा वे, क्या बच्चों की तरह टच्चू टच्चू खेल रही है। चल चल वे, सच में जलेबी फाफड़ा नहीं मिलेंगे। दया स्टैच्यू। हेलो सेठानी जी, आप सेठ जी कहाँ गए? वो स्टैच्यू बन गए हैं। क्या बन गए? स्टैच्यू यानी मूर्ति बन गए हैं। क्या सेठ जी मूर्ति बन गए? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? सेठानी जी, अब दुकान कौन चलाएगा? चेक पे साइन कौन करेगा? हमारी पगार कौन देगा? अरे भागो भाई, आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम दोनों टेच्चू टेच्चू खेल रहे हैं, उसमें वो टेच्चू हो गए हैं। ओ अच्छा अच्छा, स्टैच्यू। अरे वाह सेठानी जी, मैं भी जब छोटा था तब स्टैच्यू स्टैच्यू बहुत खेलता था। अच्छा, लेकिन सेठानी जी, सेठ जी स्टैच्यू हो गए हैं तो? अरे भागो भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फोन स्पीकर पर रख देती हूँ, आपको जो भी कहना है वो कह दीजिए, वो बोल नहीं सकते सुन तो सकते है ना। एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। हाँ भागो भाई बोलिए। सेठ जी, वो बावरी जी मुझे बहुत दिनों से कह रही हैं, पॉपकॉर्न खाने जाते हैं, पॉपकॉर्न खाने जाते हैं, तो मैं ये सोच रहा था सेठ जी कि आज आधे दिन की छुट्टी लेकर
उन्हें फिल्म दिखाते दिखाते पॉपकॉर्न खिला दूं। तो सेठ जी, क्या मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हाँ कहा इसलिए थैंक यू वेरी 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 मच सेठ जी। वाह, कैद में है बुलबुल, नहीं सॉरी, कैद में है बुलबुले। ये दया भी कभी कभी टप्पू से छोटी बन जाती है। आज अचानक टच्चू टच्चू खेलना चालू कर दिया और उसका फायदा लेना नहीं देना वो बागन उठा लिया। अरे सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? आप हिल गए। हिल गया? वो सेठ जी, सेठानी जी ने आपको स्टैचू बोला था ना, तो आप हिले क्यों? आप फिर से स्टैचू बन जाइए, वरना अगर सेठानी जी को पता चल गया तो आपको जो भी बोलेंगी आपको करना पड़ेगा। ए होशियार, अभी मैं कोई टैचू बेचू नहीं हूँ, और तूने मेरे टैचू होने का जो फायदा उठाया है उसी के लिए मैंने फोन किया है। खबरदार जो तूने बाबरी को दुकान में बुलाया है तो। सॉरी सेठ जी, तीर कमान से निकल चुका है। अरे तुम सब लोगों का आज हो क्या गया है? दया घर में टैचू टैचू खेल रही है, तू दुकान में तीर कमान खेल रहा है। नहीं 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 सेठ जी, ये तो मुहावरा है। ये मुहावरा है, मैं बावरा हूँ वो बावरी है, ऐसा कुछ सुनना नहीं है मुझे। तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती, खलास। नहीं लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, किसी दिन दुकान में काम कम होगा तभी छुट्टी ले लेना, ठीक है? हेलो सेठ जी। अरे बाप रे, टप्पू के पापा। क्या? टैच्यू। चल चल अबे, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। किसे? आपको। तो स्कूल से शाम को वापस आ जाएगी ना, बाद में हम लोग खेलेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग दया भाभी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। क्या खेलने की बातें हो रही है? टच्यू 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 टच्यू। ओके, रोमांटिक गेम लग रही है। रोमांचिक नहीं नहीं, और टैचू नहीं होता टैचू, हम छोटे थे तभी नहीं खेलते थे कि वो ऐसा कोई ऐसा टैचू बोले तो आप जो भी परिस्थिति में हो ऐसे एकदम स्थिर हो जाने का। या स्टैचू। हाँ वही, ये दया को वो खेलना है, बोलो। क्यूट। तो कौन किसको स्टैचू कर रहा है? मैं टप्पू के पापा को, लेकिन देखिए ना ये हो ही नहीं रहे हैं। क्यों बबीता जी, अभी ये कोई उम्र है टैचू टैचू खेलने की? आई नो अभी ज्यादा देर तक स्थिर रहना बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं स्थिर रह सकता हूँ, आप बोलो उतनी देर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके रहा दो, रहा दो। ए, क्या रहा दो, रहा दो। ये दया भी ना शावक्कल वगैरह नहीं से, बबीता जी के सामने क्या जरूरत थी टैचू करने की? बबीता चले। गुड मॉर्निंग जडेजा। जडेलाल गुड मॉर्निंग। अय्यर भाई ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको टैचू कर दिया है। टैचू मतलब? स्टैचू 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 मतलब जयदलाल स्टैचू हो गया। क्या है अय्यर भाई, टप्पू के पापा बबीता जी को कह रहे थे कि वो बहुत देर तक टैचू रह सकते हैं, तभी मैंने उनको टैचू कर दिया। टप्पू के पापा आपको याद है ना, अगर आप हिल गए तो मैं जो कहूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा, मुझे अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। तो दया भाभी आप पैकिंग चालू कर दीजिए, मैं यू चुटकी में जयदलाल का स्टैचू ओवर कर देगा। अय्यर भाई आप टप्पू के पापा को पहचानते नहीं है, वो एक बार ठान लेते हैं ना फिर उसे पूरा करके ही रहते हैं। ये बात तो है अय्यर जेठा जी, जब भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना बिल्कुल हार नहीं मानते। बबीता मैं स्कूल में रोज स्टैचू खेलता था,
पर एक बार जो स्टैचू हो जाता तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तोड़ने में मैं नंबर वन था। ये तो बचपन से ही और चंडे है। ओके, बट आई डोंट थिंक तुम जेठा जी का कॉन्सेंट्रेशन तोड़ पाओगे। सॉरी बबीता, वेट एंड वॉच, मैं एक मिनट में जयदलाल का स्टैचू तोड़ देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे हिलने मत देना, वरना बबीता जी और दया दोनों के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टैचू नहीं बनाऊ, खेल खेल में खेल चला है, हुआ है बड़ा धमाल और बबीता जी के सामने स्टैचू हो गए जेठालाल। अब अय्यर है बेटा आपके, कैसे हो जेठालाल बेहाल? और अब देखना यह है कि अय्यर भैया क्या क्या चलेंगे चाल। गोकुलधाम सोसाइटी में स्टैचू का खेल प्रारंभ हो चुका है और अय्यर बड़े बेताब है, बेसब्र है जेठालाल को परेशान करने के लिए। और अब देखना यह है कि वो जेठालाल को परेशान करने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाते हैं और जेठालाल बच पाते हैं या नहीं। भाई जेठालाल बचे ना बचे, लेकिन आप हंसने से नहीं बचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला एपिसोड देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।